बैरलपुर में दो समुदायों में झगड़े में भुवनेश्वर साहू की मौत। पीएम रिपोर्ट नहीं देने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के गांव वीरनपुर 8 अप्रैल को दो समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी में घायल होने से एक युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई। वहीं खूनी संघर्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के 1.5 महीने बाद भी मृतक के पिता द्वारा साजा थाने में जाकर मृतक भुवनेश्वर साहू की पीएम रिपोर्ट न देने पर आनाकानी करते हुए पीएम रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। मृतक के पिता ईश्वर साहू ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज गांव के ही अजोर युद्ध खुलेआम घूम रहे हैं। बिरनपुर में साहू समाज दहशत में है, क्योंकि घटना के मास्टरमाइंड अंजोर यद्दू द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से गांव में बहरहाल स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में होने से उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है। पीएम रिपोर्ट के लिए हम साजा गए हैं। साजा में तो पहली देहूं करके हमारा कॉपी दे रही से जांच है, फोटो कॉपी करा रहे करके, और साथ में भी गई फोटो कॉपी कराए 40-50 रुपए दिन फोटो करा कॉपी करा के फिर हमारे हाथ में दिए सब। तुरंत बाद फिर आगे थाना से नहीं बोले एसपी साहब वहाँ पे सील मार के देंगे, जब मिलेंगे एसपी साहब के पास आप जाना पड़ेगा आवेदन देने के लिए। इसे बोले था मार्ग एसपी साहब के पास आए और जो अमर लड़का साथ में जो गुना किया कत्ल की वो लड़का रहा सब कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब हम बोलना चाहते हैं एसपी साहब से शासन प्रशासन से कि कार्रवाई काबर नहीं होती। अब वो जो मास्टर माइंड जो यदि वो घुमाते और हमारे गांव में मुसलमान लड़के लोग हैं मुसलमान मन वह घूमत गली गली बोलते और अभी एक लड़का मार रहे अभी तो 10 लड़ मार को एक एक तेली मार को करके घूमते हैं। और ये हम लिखित में जेकर नाम दे है नजोर या दूके और बाकी जो बचे मुसलमान ओकर मन की गिरफ्तारी काबर नहीं होती। कोई ये शासन प्रशासन कार्रवाई काबर नहीं करते। वो जहाँ वो लड़का से हत्या करेगी से वो जगह में जाके सील भी नहीं कराते। मुक्ति धाम में तो बोली साहब कार्रवाई हुई हम लिख के दें तो बोले शासन वाले कार्रवाई हुई सब हम एक एक कार्रवाई करेंगे ऐसे करके बोली। अभी तक की कोई कार्रवाई हो नहीं, यहाँ तक वहाँ लेडीज भी पूरा मोहल्ला थी लेडीज वाले दुर्घटना हुई थी तो हो ची। अभी फिलहाल हम लोग पीएम रिपोर्ट पर जाते हैं तो साझा थाना पीएम रिपोर्ट दे नहीं है और वो जस्टिस पर जाओ करके बोल दी समझ लग तीन तीन दिन घुमाए के बाद ओखर बाद तो पहली दिन साहू समाज के ग्रुप से आ रही है हमारा तो साहू जी को लड़का भी आ रही थे और पूरा साहू समाज आ रही 10-15 बीच है उखर बीच में टीआई भी रही से थाना वाले में रही साझा थाना है तो ये बात तो बोली जो ये दूसरा चलान काबर नहीं कर का ऐसे का बात है ये कहते तुम दबे है इसी के तो मैं धारा लगा नहीं बनाते वो नहीं बनाते ये सब सब तरह जो टीआई बोली से तो मन खी जैसा भी होता है उनको अरेस्ट करो और वो गांव घूमा थे और गांव घूम के गांव में लड़ा थे पूरा। अभी तो अपन घरे में पूछ रहे लेकिन अंदर से मोबाइल से चारों तरफ आजकल मोबाइल है तो मोबाइल के द्वारा उखर बात हो थे तेरी मान ला घर घुस के मारो ये टाइप के उखर मन के सब है प्लान है।